तीन बच्चों की मां ने फांसी लगाकर की सुसाइड। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के सदनवाड़ा थाना क्षेत्र के बामौर गांव में 31 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में बुधवार की देर रात फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सदनवाड़ा थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला के तीन बच्चे हैं। महिला अपने पीछे 2.5 माह की बेटी छोड़ गई है। जानकारी के मुताबिक 30 साल प्रेम पाल की शादी 10 साल पहले बमौर के रहने वाले विकास पाल से हुई थी। प्रेम पाल के 7 साल की बेटी, 2.5 साल का बेटा और 2.5 महीने की बेटी भी है। प्रेम पाल का पति विकास पाल ट्रक ड्राइवर है। बताया गया है कि विकास बुधवार को घर से बाहर था। बुधवार की देर शाम प्रेम पाल के बच्चे और उसके सास घर में थी। तभी प्रेम पाल ने घर की पहली मंजिल के कमरे में जाकर फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। देर रात प्रेम पाल की फांसी लगाने की खबर परिजनों को लगी। महिला के शव को फांसी के फंदे से पड़ोसियों ने उतारा। आज गुरुवार को सतनबाड़ा थाना पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, एक सतनवाड़े क्षेत्र में एक फांसी लगाई है, क्या मामला है पूरा? महिला है, 30 वर्षीय महिला है। हाँ, इसने फांसी लगा ली थी। क्या कारण क्या रहा है? कारण तो सर अभी कोई जानकारी नहीं है, कारण की जांच चल रही है। जांच चल रही है, नहीं जैसे मायके वालों के आरोप आ गए हैं, आरोप भी लगा रहे हैं वो? आरोप तो खैर कुछ नहीं लगा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि फांसी क्यों लगा ली, कैसे लगा ली, इसकी जाँच जारी। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है प्रेम पाल। उसके पति का? पति का नाम है विकास पाल। सतनवाड़ा प्रॉपर के रहने वाले? सतनवाड़ा ग्राम बामौर है। अच्छा, बामौर सतनवाड़ा के रहने वाले। आपके पीएम करा रहे हैं? पीएम करवा रहे हैं। इसके तीन बच्चे भी हैं? तीन बच्चे हैं, छोटी एक बच्ची भी है 2.5 महीने की। अच्छा अच्छा, उसको छोड़ कर गई। तो कोई मारपीट वारपीट कोई निशान है? मारपीट वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। महिला आरक्षक से चेक करवाया था, लिखवाया था, और फिर डॉक्टर साहब अभी और देख के बताएंगे कि जैसी स्थिति होगी। तो काय के फंदे पर टंगी थी वो? रस्सी का था फंदा। घर में ही? अंदर घर में, कमरे में, ऊपर वाले कमरे में।